मतलब प्रधानमंत्री बनाओगे, मुख्यमंत्री बनाओगे, चेयरमैन बनाओगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे, पार्टी सौंप दोगे, लेकिन विधायक नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? बीजेपी के नेता बेहतर काम कर रहे हैं फिर भी वो बेहतर ढूंढ रहे हैं। हमारे वाले नेता गधे, वो जीरो रिजल्ट ला रहे हैं और फिर भी उनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। समाज पार्टी के मंच से जय भीम जब परशुराम के नारे लग रहे थे ना, और हम बैठ कर तमाशा देख रहे थे जब शंख बज रहा था, जब गणेश की स्टेचू का आदान प्रदान हो रहा था, मैंने उस दिन कहा था कि ये बेड़ा बसपा के पास में आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये जो बसपा के पास में हर प्रदेश में कार्यालय है, ये जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्यालय है, ये जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तो बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, ये बहन जी घर से लेकर के नहीं है। आसानंद का साथ देने को तैयार हूँ, गारंटी साथ दूंगा। चलो परिवार बात कर, जो कोई बात नहीं, मैं साथ दूंगा आकाश आनंद का, लेकिन पहले बताओ करना क्या चाहते हो, पहले बताओ तुम्हारे पास में एजेंडा क्या है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में जो क्या नाम है प्रोजेक्ट क्या है, किस पे काम करोगे तुम? यही दलित 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 चमार चमारे ने, अरे मैं करूँ चमार भी वोट नहीं दे रहा भाई तुम्हें, चमार भी आज की तारीख में वोट नहीं दे रहा। बसपा जो वर्तमान समय में चल रही है वो बसपा बहन जी के इशारे पे चल रही है, और ये बसपा काशीराम वाली बसपा नहीं है। और हम ये बात बहुत लंबे समय से कह रहे थे, लोगों को बुरा लगता था, हम कहते थे कि ये जब आप एक तरफ ये कहते हो कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है और पहले एक सामाजिक आंदोलन है या एक बहुजन महापुरुषों का की मूवमेंट है, अब मूवमेंट में कभी भी ब्लड के रिलेशन से संबंधित लोग नहीं थोपे जाते। क्या बाबा साहब ने यशवंत राव अम्बेडकर को थोपा? नहीं, यशवंत राव अम्बेडकर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ तक कह दिया था भैया साहब को कि आपने अगर जो ये भूषण जो वो प्रेस चलती है अगर इसमें हेरा फेरी की और कुछ गड़बड़ की तो मैं मुकदमा करूँगा तुम्हारे ऊपर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बेटे के लिए कहते थे कि मैं मुकदमा करूँगा, या फूले ने अपने वंशजों को थोपा, या कबीर ने अपने वंशजों को थोपा, नानक रैदास ने अपने वंशजों को थोपा, बुद्ध ने कहा कि राहुल को आप क्या नाम संघ नायक बना लो, नहीं कहा। जब आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारी जो पार्टी है वो बुद्ध कबीर नानक रैदास पेरियार ललित सिंह यादव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चल रही है, और मैं तो आज देख रहा था अभी 4-5-6 साल पहले बहन जी का एक वीडियो है आप देखना उसको, ने भी ट्वीट किया वो कहा है बहन जी ने कि मैं माननीय साहब काशीराम को अपना आदर्श मानती हूँ, मेरी हमारी पार्टी का जो भी उत्तराधिकारी होगा वो मेरे परिवार का नहीं होगा, हमारे ब्लड से संबंधित नहीं होगा, हमारे बहन भाई नहीं होंगे, हमारे परिवार कोई आदमी होगा। तो आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि बहन जी को अपने भतीजे को बुला करके उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ गया? भाई बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया उपाध्यक्ष, और भतीजा जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, तो अब ये तो पार्टी घर की पार्टी हो गई। तो पहले तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहना बंद करें। आपको भाई बसपा से क्या दिक्कत है, सपा भी तो घर की पार्टी है, आरएलडी भी घर की पार्टी। मैं विशाल भाई वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले बहुजन समाज पार्टी के वो लोग, आज बहुजन समाज पार्टी दो फाड़ में बट गई, एक वो जो बहन जी के अंधभक्त हैं, जो बहन जी के समर्थक हैं, जो चाह रहे हैं कि नहीं जो बहन जी ने कहा वो ठीक करा, समाजवादी पार्टी में भी परिवारवाद है, आरएलडी में भी परिवारवाद है, जेडीयू में परिवारवाद है, और उनका, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप उनसे ये तुलना कर रहे हो कि उनका भी परिवारवाद है, तो आप ये भी बता दो मुझे थोड़ी सी देर के लिए, तो क्या आपने अपनी पार्टी जब बनाई थी तो उसके बायलॉज में फिर माननीय साहब काशीराम ने ये क्यों लिखा था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा? अगर यही था तो फिर माननीय साहब कर लेते, अपने भाई को एक आपको राज्यसभा बना देते, एक आपको MLC भेजते, थे उस परिवार की भी गरीबी दूर हो जाती। तो अगर आप उनसे तुलना कर रहे हो दूसरी पार्टियों से, तो इसका मतलब आप अपने उद्देश्य से भटक गए हो, आप अपनी कमियों को छुपा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये विशाल भाई कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करना, पहली बात तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक तरफ लोग ये कहते हैं कि राजा की कोख से राजा पैदा नहीं होंगे, रानी की कोख से, और दूसरी तरफ आप जो उत्तराधिकारी घोषित करो, लोकतंत्र में लोग तय करते हैं उनका नेता कौन होगा कैसा होगा, तो ये लोग तय करेंगे। बहन जी ये कहें कि मेरे 28 साल के भतीजे को आप जो है वो लोग क्या नाम नेता स्वीकार कर लीजिए, तो कुछ लोग हैं जो स्वीकार कर सकते हैं, जिनको कुछ उम्मीद होगी कि उनको शायद MLC बन जाए, राज्यसभा चले जाएँ, कुछ चले जाएँ, कुछ लालच होगा, राहुल नागपाल को तो कोई लालच नहीं है, तो हम हमारा आकाश आनंद कोई भैंस तो खोली नहीं है, हमारी वैचार की लड़ाई है, हमारा वैचार की विरोध है, और अगर वैचार की विरोध राहुल नागपाल का, रतन लाल का, तमाम लोग जो हम जो वैचार की विरोध कर रहे हैं, और अगर ये बसपा के लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, तो ये उनकी अंतर्गति होगी। एक तरफ बहन जी ने एक तर्क दिया है, उनके समर्थकों ने दिया कि बहन जी ने बहुत लोगों पर भरोसा किया, धोखा मिला है, तो ऐसा इसीलिए उन्होंने पार्टी दिया है। ये मूर्ख बनाने का एक जुगाड़ है। एक आप बहन जी के 40 साल के राजनीतिक जीवन में क्या 10 आदमी ऐसे तैयार नहीं कर पाई बहन जी जिन पर बहन जी विश्वास कर सके? माननीय साहब काशीराम ने हजारों आदमी तैयार कर दिए, बहन जी 10 आदमी तैयार नहीं कर पाई। और मैं कह रहा हूँ इसके उलट, और एक और प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि अगर बहन जी और बहन जी के चाहने, बहन जी के आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को लोगों ने धोखा दिया, तो इनसे पूछो कि तुम कितने दिन से राजनीति कर रहे हो? वो कह रहा हूँ मैं 40 साल हो गए, तो 40 साल में तुझ पर विश्वास नहीं हुआ? जो आदमी कह रहा है मैं 40 साल से बहन जी के समय पे आया, बहन जी को किसी साथ नहीं दिया, तो तू तो साथ में है ना, क्या तू इस लायक नहीं था बसपा की कमान संभाल ले? जो 28 साल का लड़का कर सकता, तू नहीं कर सकता क्या? हमारे दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हैं CP सिंह जी,
35 साल हो गए उनको बसपा में, राष्ट्रीय सचिव भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, वो भी इस बात को कहते हैं। और तमाम लोग कहते हैं कि भैंजू को धोखा दिया, उसने रितु के प्रोटेस्ट पे आए थे कह रहे थे, तो क्या सीपी सिंह जी में कुछ कमी थी? वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकते थे? बन सकते थे ना। लक्ष्मण सिंह में कमी थी? वो नहीं बन सकते थे क्या? बन सकते थे। लेकिन ये बात तय है कि दुनिया भैंजी को भैंजी कहती हो लेकिन भैंजी का भैया आनंद है, दुनिया भैंजी को बुआ मानती हो लेकिन भैंजी का भतीजा आकाश है। ये परिवारवाद की राजनीति शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी से सामाजिक परिवर्तन की या महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी भी आज की तारीख में वैसी पार्टी है जैसी समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और सपा है, RLD है, RJD है, तमाम राजनीतिक पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ती है। मिशन की बात करना गलत है। मिशन कहाँ मिशन रह गया बताओ ना मुझे? अगर मिशन की बात होती अभी भी उन्होंने ट्वीट किया है कि मिशन मजबूती से आगे बढ़ाना है, आप मेरा साथ दीजिए। आकाश आनंद पहली बार ये पूछो कि मिशन है क्या? अगर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है कि आप मेरा साथ दीजिए, हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो मिशन क्या है? पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या यही मिशन है कि उनके पिताजी के नाम पर 402 करोड़ रुपए का नोएडा में प्लाट था, उसको बेनामी संपत्ति के आधार पर सरकार ने हड़प कर लिया, ये मिशन है? कहाँ से आए भाई पैसे बता दो, जरा हिसाब दे दो। आज जो आप लग्जरी लाइफ ले रहे हो, ये मिशन है? या वो मिशन था काशीराम साहब वाला के जो जिनके भतीजे आज भी फटेहाल घूम रहे हैं, वो मिशन है? अब बताओ ना, अगर काशीराम का मिशन था तो उनके भतीजे तो फटेहाल घूम रहे हैं, अगर बाबा साहब का मिशन था तो उनके परिवार के पास तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, फूले के, कबीर के, नानक के, रैदास के पास तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि मिशन ये है तो बताओ ना मिशन कौन सा, पहले तय कर लो मिशन है क्या। अगर यही मिशन है कि आप ब्रांडेड रहेंगे, ब्रांडेड खाएंगे, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मोड़ेंगे और कहेंगे हम मिशन चलाएंगे, तो मिशन है क्या बता दो, कौन सा मिशन चलाओगे बताओ ना, पहले मिशन तय कर लो कौन सा मिशन चलाओगे। उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं उनके लिए बेतुका है लग रहा है आपको? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर कोई भी बहुजन समाज पार्टी का आदमी आकाश आनंद के समर्थन में और बहन जी के फैसले के समर्थन में खड़ा है और आज भी वो कह रहे हैं कि मिशन चलाएंगे, पहली बात तो मिशन बचा नहीं। मिशन में परिवारवाद कभी नहीं होता, मिशन में विचार होता है, परिवारवाद में विचार की का सौदा होता है। अगर आपको लगता है कि आपका भतीजा बहुत ज़्यादा अकलमंद है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसमें विश्वास किया जा सकता है, तो मुझे बताओ कौन सी किताब पढ़ी आकाश आनंद ने, कहाँ से कौन से मिशन मूवमेंट, एक किताब की मुझे 4 कोटेशन बता दे बाबा साहब की। और अगर आप उसको नेता मान रहे हो तो लड़ाओ चुनाव, समाज स्वीकार करेगा। मजे की बात तो ये है, मना कर दिया चुनाव, अरे मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। क्यों भाई, नेता हो तो फिर चुनाव नहीं लड़ोगे? क्योंकि मैं अपने परिवार को मैं कभी विधायक नहीं बनाना चाहती, ना सांसद बनाना चाहती। मतलब पार्टी सौंपना चाहती हो, विधायक नहीं बनाना चाहती, मुख्यमंत्री बनाओगे? अब जैसे नेक्स्ट PM के नारे भैंजी, नेक्स्ट PM भैंजी, नेक्स्ट PM आकाश आनंद, ये नारे लगा करेंगे? मतलब प्रधानमंत्री बनाओगे, मुख्यमंत्री बनाओगे, चेयरमैन बनाओगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे, पार्टी सौंप दोगे लेकिन विधायक नहीं बनाओगे? क्यों नहीं बनाओगे भाई? डरते हो चुनाव लड़ने से, हारने से डरते हो? तो तुम कौन से, तुम टाटा अंबानी हो गए, उसका मतलब ये तुम तय करो, तुम गरीब। वहीं MLC जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो ये कहते हैं कि संघर्ष के दौर में उनको पार्टी मिली है, पार्टी का गिरा हुआ है, वो तो संघर्ष कर रहे हैं। बहन जी ने मुझे, मैं भीमराव अंबेडकर जी की बात का भी जवाब देता हूँ, हमारे अच्छे मित्र हैं। जब आकाश आनंद जी 2018 में बसपा में उनकी एंट्री हुई थी, जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय पर जितना वोट बसपा को छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिला था, तब से लेकर के और इस चुनाव तक आकाश आनंद जी तीनों राज्यों में डेरा डाले पड़े रहे, गली गली घूमे, लोगों से मिले। रिजल्ट आपके सामने है कि वोट पिछली बार से 53% कम हो गया, अभी आधा परसेंट कम। मैं करूँ, जितना का पहले 100 वोट मिले थे तो इस बार 47 वोट मिले, ये वोट जो आधा हो गया, सीट जो है वो चौथाई रह गई। तो ये आकाश आनंद जी की उपलब्धि है पिछले 5 साल की। मजे की बात यह है कि अब हम BJP को गाली दे रहे हैं, BJP में राजस्थान में जिस आदमी के, मध्य प्रदेश में जिस आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का ही था ना, उसको उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो पार्टी जिता करके लाया और उसको साइडलाइन करके यादव जी को लिया कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। इसे कहते हैं सिस्टम, इसे कहते हैं आगे की रणनीति। आप BJP के नेता बेहतर काम कर रहे हैं फिर भी वो बेहतर ढूंढ रहे हैं, हमारे वाले नेता गधे, वो 0 रिजल्ट ला रहे हैं और फिर भी उनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है। एक बात इसमें यही आती है कि मिशन मूवमेंट की हमारी पार्टियां बात करती हैं, वहीं BJP में मिशन मूवमेंट और वो लोकतंत्र बचा हुआ मुझे ऐसे देखा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना दिया, OBC का हो गया, इधर राजस्थान में दलित CM की बात चल रही है, तो लोकतंत्र आप किसमें देख पा रहे हो? देखिए आप मुझे बताइए कि अगर आज की तारीख में नड्डा BJP के अध्यक्ष हैं तो नड्डा ने कभी सोचा तो BJP का अध्यक्ष बनेगा? नहीं ना, उनके यहाँ सिस्टम है। लोकतंत्र अगर कहीं बचा है तो वो BJP में बचा है।
बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चला रही है और उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। वो बेशक चाहे ऊपर के लेवल पर सवर्ण बैठा रखे, और हमें पता सवर्ण बैठा रखे आरएसएस के सारे पर देश चल रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन आम लोग जो जिनको मूवमेंट का पता नहीं है उनको पता है कि बीजेपी बहुत अच्छी और सच्चाई है। उनके यहाँ कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, उनके यहाँ कोई परमानेंट उपाध्यक्ष नहीं है, उनके यहाँ कोई परमानेंट, उनको लगेगा ये हमारे मिशन मूवमेंट, उनका मिशन है देश का हिंदू राष्ट्र करना, उनका मूवमेंट है देश में भगवाकरण करना, उनका मूवमेंट है देश में भगवा फहराना। तो उसके लिए जो बेहतर से बेहतर आदमी हो सकता है उसको वो आगे लेकर के आते हैं। 2018-17 के चुनाव में जब योगी जी दूर दूर तक नहीं थे, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन 325 एमएलए होने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने किसी विधायक को इस लायक नहीं समझा उसे मुख्यमंत्री बना दे। योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा करवाया, उसे मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुत्व चेहरा चाहिए था। आप इस बात को समझिए, ये जितनी बातें चल रही हैं, अगर आप मिशन में जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के मंच से जय भीम जय परशुराम के नारे लग रहे थे ना, और हम वहाँ बैठकर एक तमाशा देख रहे थे, जब शंख बज रहा था, जब गणेश की स्टेचू का आदान प्रदान हो रहा था, मैंने उस दिन कहा था कि ये बेड़ा गरक हो गया, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इनका ये खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है, हम तो पिछले 3 साल या 4 साल जब बोल रहे हैं, पिछली बार 2022 में बहन जी के पास गए थे, मिले थे, बातचीत करी थी, सोचा था कुछ सुधार हो जाएगा, नहीं हुआ, अपने जैसे 5-4 लाख रुपये फूंक करके घर बैठ गए। हम तो आज भी कह रहे हैं कुछ सुधार हो जाए। मानवर साहब काशीराम ने 1000 नेता पैदा करे थे, बहन जी ने जो साहब काशीराम ने पैदा करे थे वो भी निकाल दिए, या वो दुखी होकर के पार्टी छोड़ करके चले गए। बहन जी कह रही जी मुझे मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चे फेल हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नालायक हैं, ये भी हो सकता है कि टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया। एक सवाल और, कल मैं जयप्रकाश सिंह की लाइव देख रहा था और तमाम जो मीटिंग में से बाहर आए उन नेताओं को इंटरव्यू देखा, तो जयप्रकाश सिंह का ये कहना था कि 90% लोग बहन जी के फैसले से खुश नहीं है, उन्होंने दबाव में हाँ हाँ बोला है, इसको किसने ऐसे देख रहे? देखिए आप, कौन खुश नहीं है कौन खुश नहीं है, मेरा तो स्पष्ट है, हमारे तो हम तो इस पाले के लोग हैं, हमें हमको राजनीतिक लोग तो है नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि यार बहन जी ने फैसला कर दिया, समर्थन कर दो, रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बहन जी का भतीजा, बहन जी रखें या निकालें, जो भी होगा देखा जाएगा। हम भी सोच रहे थे, हमें पता था बेहतर के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो हो सकता है बहन जी कह दे आकाश को ठीक है तू जाकर बिजनेस कर और लोगों को आगे आने दे, लेकिन बहन जी ने और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो इसका मतलब अब ये सारी जो कवायद चल रही है ये पार्टी को बचाने की नहीं है, जो पैसा है, जो सिस्टम है, जो सारा तंत्र है उसको अपने हैंडओवर रखने की है। नहीं तो बहन जी सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से अगर पार्टी को चलाती तो राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव तरीके से होता, लोग आते लोग जाते, जो समर्थन होता, जिसको वोट मिलते वो बनते। आकाश आनंदी क्यों बनते, राहुल नागपाल में कौन सी कमी है भाई, जयप्रकाश में कौन सी कमी है, धर्मेंद्र में कौन सी कमी है, सैकड़ों लोग घूम रहे जिन्होंने शादी नहीं की। बहन जी ने घोषणा की थी कि मेरी पार्टी का उत्तराधिकारी जो है वो चमार जाति का होगा, मुझसे 20 साल छोटा होगा, अनमैरिड होगा। हम तो सोचते थे राजा राम जी थे, राजा राम जी नहीं रहे, उसके बाद में फिर परिवार का नहीं होगा तो फिर परिवार का भी हो गया। तो कुल मिलाकर के बात यही है विशाल भाई, मैं तमाम दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, मैं रोज़ कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में अपने सामाजिक संगठनों को मजबूत करिए, प्यार मोहब्बत से समाज में रहिए, झगड़ा मत करिए, नेताओं के भरोसे कुछ मत करना, ये पिटवाएंगे मरवाएंगे कटवाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को अपने परिवार को बचाने में लगे, इनका मूवमेंट से कोई मतलब नहीं बचा है। चंद्रशेखर आज़ाद भी अभी वो भी अपने दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद का क्या मुकाबला आमने सामने का होगा इस समय? देखिए आकाश आनंद और चंद्रशेखर का जहाँ तक सवाल है, मैं चंद्रशेखर को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। चंद्रशेखर जल्दबाजी में है, जब उसने पार्टी बनाई थी तब भी हमने कहा था, हम तो खैर उससे पहले संगठन छोड़ दिया था, हमने चंद्रशेखर को तब भी कहा था कि आप राजनीतिक पार्टी मत बनाओ, सामाजिक संगठन भीम आर्मी उसको मजबूती के साथ में चलाओ, और एक दिन वो आएगा कि हम बसपा पर ही कब्जा करेंगे, बसपा पर ही हम लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे चुनकर के, हम बैठेंगे धरने पर के क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। ये जो बसपा के पास में आज 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये जो बसपा के पास में हर प्रदेश में कार्यालय है, ये जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में कार्यालय है, ये जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी है, ये बहन जी घर से लेकर के नहीं आई थी, ये यही समाज ने 2-2, 4-4 रुपये दे करके इकट्ठा करके समाज ने अपनी पेट काट करके दिए, घर मकान खेत बेच करके दिए थे तब जा करके तैयार हुआ है। तो इस पर कब्जा, इस पर जितना अधिकार आकाश आनंद का उतना राहुल नागपाल का भी है, उतना विशाल का भी है, उतना चंद्रशेखर का भी है, उतना जयप्रकाश का भी है, हर प्रत्येक व्यक्ति का उतना अधिकार है, लेकिन बहन जी ने वो सौंप रही है। अच्छी बात है, तो मैंने चंद्रशेखर को तब कहा था कि आप राजनीतिक पार्टी मत बनाइए, लेकिन चंद्रशेखर जल्दबाजी में तो उसने राजनीतिक पार्टी बना ली, और आजकल वो बीजेपी और दूसरे लोगों के इशारे पर खेल रहा है, क्योंकि पैसा किसको अच्छा लगता है। बहन जी 35 साल के संघर्ष के बाद में वो सारा कर रही थी, वो 35 महीने के बाद वही सारा काम करने लगा, तो उम्मीद चंद्रशेखर से भी कुछ नहीं है। जिस प्रकार से चुनाव में बीजेपी की गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिस प्रकार से चुनाव में बीजेपी के समर्थकों की गाड़ियां पकड़ी गई हैं काफले में चंद्रशेखर के, वो सारी चीज़ें जग जाहिर है, वो किसके इशारे पर काम वहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। होगा क्या समाज का आखिर, आप क्या सलाह देना चाहोगे जिससे कि थोड़ी उनकी स्थिति सुधर सके? मैं तमाम लोगों से ये कह रहा हूँ कि दिमाग में जो एक लाइन लिख दी है कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना, वो लाइन मिटा दो। ये हुक्मरान बनने का सपना देखना, इस चक्कर में बहुत नुकसान उठा लिया।
हुक्मरान बनना समस्या का समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर चार चार बार मुख्यमंत्री बहन जी रही, बसपा की सरकार रही, तो क्या समस्या का समाधान हो गया? नहीं हुआ। आज भी अगर चार बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में उत्तर प्रदेश में दलितों की बारात घोड़ी पर नहीं निकलती हो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर पर, तो समझिए सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाइए, अपने इंस्टीट्यूट खोलिए, अपने हॉस्पिटल खोलिए, पैसे का सही सदुपयोग करिए, समाज में प्यार मोहब्बत से रहिए, अपने बच्चों को बुद्ध कबीर नानक रैदास पढ़ाइए, विदेश पढ़ने के लिए भेजिए, नशे पत्ते से दूर रहिए और नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। चंदा वंदा देना बंद करो, चंदा देना बंद करो सब, चाहे वामसे वाले हों चाहे बसपा वाले हों, कोई भी हो, इन सबको चंदा देना बंद करो। जो चंदा लेने आए उसे हिसाब मांगो कि वामसे बताओ 40 साल हो गए चंदा देते देते, कोई स्कूल बनाया, कोई कॉलेज खोला है, कोई तुम चार बच्चे विदेश पढ़ने के लिए भेजे, करा क्या है भाई तुमने, बताओ ना। बहुजन समाज पार्टी वालों, अरे हम इतना दे दिया भाई, दिल्ली का प्रदेश कार्यालय था, मैंने तो वहाँ होटल बन रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको समझिए, इनको बढ़िए, इनको आगे बढ़िए। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं जा रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको भी बंद करे समाज अपना देखे। देखो मैं अपील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपील कर रहा हूँ कि समाज जो है वो चंदा देना बंद करे, बहुत पैसा है। मैंने नेता बने अपने दम पे बने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा है। बीजेपी वाले बहुत पैसा दे रहे हैं, कहीं चमारों को, इन दलितों को बिखेरो पैसा, यहाँ से 100-200 करोड़ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेता जब तक काशीराम जैसा आदमी कोई दिखाई ना दे, जो बिल्कुल बिल्कुल जिसका समर्पण समाज के प्रति हो, महापुरुषों के प्रति हो, तब तक चंदा चंदे का धंधा बंद करो ये। और ये जितने मैं कह रहा हूँ कि जो सही माने में बेचारे काम कर रहे हैं, आप हो सब सारे लोगों पत्रकारों, एक एक मोबाइल लेकर के समाज को जगाने का काम करो। आपको कोई देता 10 रुपये? आपको कोई बसपा का आदमी देता है? करो ये 50,000 ले जाओ, आपने इतना काम करा आप चुनाव में, आपको नहीं देगा, वहाँ दिया टिकट के लिए। अरे मेन काम तो आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? ये जो सिस्टम लगा रखा है आज तक, जी मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, मीडिया को तुम बड़ा साथ देते हो, पत्रकार का फ़ोन तुम उठाते नहीं, मीडिया तुम्हारा साथ देगा, तो सच्चाई है ये। तो मैं तो फिर भी तमाम लोगों की धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग फिर भी निर्भीकता से लगे हुए हो, बहुत बहुत आभार है। समाज को चाहिए कि वो चंदा देना बंद करें, नेताओं से उम्मीद बंद करें। एक लास्ट सवाल, सफल हो पाएंगे आकाश आनंद? भाई साहब मैंने कहा ना, आकाश आनंद पहले मुझे ये बताए मिशन है क्या, जिसके लिए मैटर बात करें बाद में बात पे। और हम तो कह रहे हैं मैं मुझसे नहीं बात करनी कोई दिक्कत नहीं, रत्नलाल से बात नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं, और तमाम समाज से बात, समाज में 20 लोगों को छाट लो, क्या भाई ये लोग समाज में मुखर होकर के बोल रहे हैं, उनसे बैठ करके टेबल पर मैं आकाश आनंद का साथ देने को तैयार हूँ, गारंटी साथ दूंगा। चलो परिवार बात कर जाओ कोई बात नहीं, मैं साथ दूंगा आकाश आनंद का, लेकिन पहले बताओ करना क्या चाहते हो, पहले बताओ तुम्हारे पास में एजेंडा क्या है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में जो क्या नाम है प्रोजेक्ट क्या है, किस पे काम करोगे तुम? यही दलित 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 चमार चमारे ने, अरे मैं करूँ चमार भी वोट नहीं दे रहा भाई तुम्हें, चमार भी आज की तारीख में वोट नहीं दे रहा। और मैं बता रहा हूँ विशाल भाई, अगर 2024 में गठबंधन में नहीं गई बसपा तो 3% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाएगा गारंटी भाई।